लॉन्ग मार्च की तैयारियां, इमरान खान की फनकारियां, पीटीआई का लॉन्ग मार्च या हकीकी आजादी मार्च कब होगा, होगा भी या नहीं, पीटीआई की तैयारियां क्या हैं और हुकूमत क्या सोच रही है, इस बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हर जगह ये कहते हैं कि मेरी कॉल का इंतजार करना, कॉल दूं तो सबने निकलना है, लेकिन लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताऊंगा। वो पार्टी वर्करों के इजलास में लॉन्ग मार्च में यकीनी शिरकत की हिदायत के साथ साथ हल्फ भी लेते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इस लॉन्ग मार्च के इशारे ही दिए जा रहे हैं और हतमी तारीख का ऐलान तक नहीं किया गया। इस बारे में तो पार्टी के करीबी साथी भी खुलकर कोई बात नहीं करते, लेकिन वो भी कारकुनों को तैयार रहने और शिरकत की हिदायत करते हैं। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए हैं और इस्लामाबाद को नो गो एरिया बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। वफाकी पुलिस समेत रेंजर्स और एफसी ने मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मशकें शुरू कर दी हैं। वजीर दाखला राना सनाउल्ला की हिदायत पर रेंजर्स अलर्ट हैं। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी ने मशकें शुरू कर दी हैं और इस बार ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मोबाइल फोन सर्विस बंद करने के अलावा। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए शहरियों के शनाख्ती दस्तावेजात भी चेक होंगे। इस्लामाबाद को माजी की तरह अगर कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया तो आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मामूलात जिंदगी मुतासिर होंगे। इत्तेहादियों की अक्सरियत ने राय दी है कि हुकूमत को लॉन्ग मार्च के हवाले से तहम्मुल से काम लेना चाहिए और ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और एहतजाज अगर पुर अमन रहे तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ताहम हुकूमत ने अफरा तफरी फैलाने वालों को बाज रहने और रेड लाइन क्रॉस न करने का वाज़ेह इशारा दिया है।